गुड मॉर्निंग गाइज़ वेलकम बैक तो गाइज़ आज की जो वीडियो है वो होगी पार्ट टाइम जॉब रेज्यूमे के ऊपर मैंने क्या डिसाइड किया था एक बार मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी उसके बाद मैं आप लोग को रेज्यूमे के बारे में बताऊंगा बिकॉज अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं आप लोग को क्या रेज्यूमे के बारे में एक्सप्लेन करूंगा सो so, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गया है कहाँ पे मिला है क्या है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वो कंपनी के पॉलिसी में लिखा हुआ है कि उनके बारे में बोलना है उनके बारे में कहीं पर भी कुछ भी बात करना वो उनके पॉलिसी में नहीं आता है सो so, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा बट येस आई डू हैव अ पार्ट टाइम जॉब बिकॉज बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे लास्ट वाली वीडियो देखने के बाद तो so, आज क्या करता हूँ आप लोग को टोटली रेज्यूमे के फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ मैंने किस तरीके से अपना रेज्यूमे बनाया था और आप लोग को एग्जैक्टली किस किस तरीके से आपको रेज्यूमे बनाना चाहिए और यहाँ पे जो मैनेजर्स uh, होते हैं ओनर्स होते हैं वो रेज्यूमे में क्या चीज़ें देखते हैं वो सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को पता लगेगी तो गाइस ज्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो लाइक नहीं करते हो शेयर नहीं करते हो कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो अच्छा लग रहा है अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं अब ज्यादा देर नहीं करते है वीडियो शुरू करते हैं सो गाइस सबसे पहले मैं हम लोग चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आप लोग को मेरा रेज्यूमे का फॉर्मेट दिखाता हूँ ठीक है तो आप लोग को एक आइडिया आएगा किस तरीके से आप लोग को रेज्यूमे लिखना चाहिए और रेजुमे में क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताता हूँ सो ये गाइज मेरा रेज्यूमे का फॉर्मेट है यहां पे स्टार्टिंग में टॉप पे आप लोग को आपका नाम लिखना है बोल्ड लेटर्स के अंदर देन आपको राइट right साइड के ऊपर आपका फोन नंबर आपका घर का एड्रेस और मेल आई ठीक है ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये तीन में से भी दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोन नंबर और मेल आई बिकॉज जब भी कोई शॉप का ओनर या मैनेजर या कोई भी बंदा आपको कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा तो वो ये दो चीजों से ही कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा तो जब भी आप लोग ये सारी चीजें लिख रहे हो दो बार जरूर चेक कर लेना लिखने के बाद कि ये राइट right है कि रॉन्ग है ठीक है बिकॉज अगर ढंग के नहीं है तो पूरा रेज्यूमे का कोई मीनिंग नहीं बनता है वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो कैसे आपको बोलेगा कि आप इंटरव्यू के लिए आओ कि नहीं आओ सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप लोग ढंग से लिखते हो और एड्रेस के अंदर क्या होता है ना इस बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं अभी टेम्पररी कहीं पे रह रहा हूँ फिर मैं ऐड ऑन करूँ कि नहीं करूँ आप लोग का एड्रेस में कुछ भी एड ऑन कर सकते हो अगर आप लोग टेम्पररी कहीं पे रह, रह रहे हो तो वो भी लिख सकते हो और अगर आप लोग परमानेंट रह रहे हो तो आपको वही एड्रेस एड ऑन कर देना है सो so एड्रेस से कोई खास इतना फर्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से बिकॉज uh, मैं जब अप्लाई कर रहा था तब मैं टेम्पररी कहीं और ही रह रहा था सो so उसी का एड्रेस मैंने लिख रखा था तो यू कैन डू दैट इट्स नॉट गोइंग टू योर रेज्यूम इन एनी वे उसके बाद गाइज आता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने जो लिखा है उससे आप लोग एक आइडिया ले सकते हो और उस हिसाब से आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हो ठीक है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि एक सिंपलीफाइड वे में आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ऑब्जेक्टिव में क्या आता है सो so, पहले का होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अपॉर्चुनिटी इन एन एटमोस्फियर वेर आई कैन मेक अ डिफरेंस एंड नॉट जस्ट बी अनदर पेरोल फिगर विद एन एम्बिशन पेस एंड डिजायर टू स्केल द पीक ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस सो जस्ट आप लोग लिख सकते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब वहां पे कंपनी में काम करने का आप किस तरीके से वो कंपनी में काम करना चाहते हो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हो या फिर आप लोग को मतलब स्किल भी डेवलप करना है सो so, ये सारी चीजें आप लोग ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑन आड़ कर सकते हो बाकी आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये ऑनेस्टली बताऊंगा इस ये सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती है ठीक है मैंने ऑब्जेक्टिव बताया ये भी मैटर नहीं करेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करता है इतना बट आप लोग को ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी ठीक है बिकॉज वो जो मैनेजर होगा वो एटलीस्ट इतना तो देखेगा कि आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो कॉलेज में पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेता है बट इट्स नॉट गोइंग टू योर जॉब और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आपको जॉब मिल जाएगा जॉब नहीं मिलेगा वहां पर इसका रोल नहीं होता है सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गाइस मैंने सिर्फ दो चीज़ें मैंशन करी है मेरा बैचलर्स मेरा बी टेक कहां से हुआ था और uh, मैं मास्टर्स मतलब यूनिवर्सिटी में कहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहा हूँ ये दो चीज़ें ही मैंने मेंशन करी है उसके बाद मैं अलेवेन्थ ट्वेल्थ या स्कूल में मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज आई डोंट थिंक वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप लोग खाली आपका मास्टर्स और आपका बीटेक अगर आप लोग uh, बी बी करके नहीं आया तो आपका इलेवन ट्वेल्थ इतनी ही चीज़ें आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंशन करना इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड उसके बाद गाइज स्किल्स एंड एबिलिटी में आते हैं तो ये तो गाइज़ आप लोग अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो ठीक है मैंने ये सिक्स पॉइंट्स लिखे थे कम्युनिकेशन स्किल्स लिख लो टीम वर्क लिख लो रिलायबिलिटी लिख लो ऑर्गेनाइज हार्ड वर्किंग क्विक लर्नर सो आप लोग इस हिसाब से कुछ भी एड ऑन कर सकते हो या मैंने जो लिखा है वही आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करना इसमें थोड़े बहुत सिनोनम्स uh, लिख देना और उसको अपने तरीके से कुछ भी डिज़ाइन करने का ट्राई करना ठीक है ताकि ऐसा ना लगे कि आपने एग्जैक्ट किसी का कॉपी पेस्ट किया है बिकॉज स्किल्स एंड एबिलिटीज का कोई नहीं पढ़ता है मैं शॉप टू शॉप गया हूँ ठीक है हर एक शॉप में जा जाकर रेज्यूमे दिया है मैंने जितने भी मैनेजर्स या ओनर्स से बात करी है वो बंदों ने बिल्कुल भी मेरा स्किल्स एंड एबिलिटी नहीं देखा है क्या देखा है मेरे रेज्यूमे के अंदर वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जेक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी कुछ भी चेक नहीं किया है ठीक है बट आप लोग को रेज्यूमे जब बनाते हो तो ये सारी चीज़ें मैंशन करनी पड़ती है सो so, आप लोग इसको थोड़ा बहुत अपने तरीके से मैंशन कर देना ताकि रेज्यूमे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे उसके बाद गए आता है एक्सपीरियंस ठीक है ये कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे मैटर करता है अब जैसे आप लोग अगर वॉलमार्ट में जा रहे हो फ्रेशको में जा रहे हो या यहाँ पे कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो ऐसी जगहों पे जा रहे हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड लिखना है ठीक है ताकि वहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है उसको लगे कि नहीं इसने पहले काम किया हुआ है और ये यह यहाँ पे ढंग से काम कर सकता है सो so, मैंने गाइज रैंडमली यहाँ पे डी मार्ट मैं जहाँ पे तेलंगाना में रहता था सिकंदराबाद में वो लिख के मैंने कुछ भी यहाँ पे आप हेयर भी एड ऑन कर सकते हो जो भी आप लोग को ऐड ऑन करना है उस हिसाब से वहाँ पे आप लोग का क्या रोल था तो मैंने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव करके लिख दिया है मैं कोई डी में काम नहीं करता था गाइज ठीक है मैंने जस्ट रैंडमली यहाँ पे लिख दिया है बिकॉज जब भी आप लोग यहाँ पे शॉप्स में जाके कर देते हो तो आप लोग को उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी पड़ती है ठीक है कोई आपको ये नहीं पूछने वाला कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपने काम किया है कि नहीं किया है ऐसा आपको कोई यहां पे पूछेगा नहीं बट यू नीड टू मैंशन कि मैंने यहां पे काम किया है जस्ट फॉर देयर मतलब आपका मतलब ईजी वे ऑफ सेलेक्शन हो जाए उसके लिए आप लोगों को ये सारी चीजें मैंशन करनी पड़ती है अब वहां पे आप लोगों ने क्या क्या काम किया है आप लिख सकते हो रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेट्स व्यान ई मेल मेल और सोशल मीडिया यूज टेलीफोन्स टू रीच आउट टू कस्टमर्स ग्रीट कस्टमर्स वॉर्मली देन बाद में असिस्ट विद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स रिफंड एक्सचेंज ये सारी चीज़ें मतलब लिख सकते हो कि डिटेल में आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें वहां पर क्या करी थी ताकि जो भी बंदा आप लोगों को हायर करने वाला उसको आइडिया लगे कि आपने पास्ट में क्या क्या चीज़ें कर रखी है ये तो गाइज अगर आप लोगों ने नहीं भी किया है तो भी आप लोग मैनेज कर सकते हो और वो भी यहाँ पे जो भी ओनर्स है मैनेजर्स है कनाडा के अंदर उनको सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से आ रहे हैं वो लोग के पास कोई भी पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है अगर फुल टाइम है तो वो मैंशन कर सकते हो बट आई डोंट थिंक वो आपको पार्ट टाइम में हेल्प करेगा बिकॉज जब आप लोग डी और ये सब जगह मतलब यहाँ पे फ्रेश को और वॉलमार्ट में जाते हो तो उनको वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों ने कहाँ पे आपको एक्सपीरियंस था कि नहीं था ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ ठीक है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक बार मैं रेज्यूम एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद गाइज आपको मैंने बाद में लिखा है पार्ट टाइम कैशियर में मैंने काम किया था बिग बाज़ार के अंदर ठीक है उस कौन सा ईयर था कौन से ईयर में मंथ में काम किया है वो भी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो कहाँ पर किया है वो भी लिख सकते हो देन उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आप लोगों ने करी है वो सारी चीज़ें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो एक बार आप लोग ग्लांस मार लेना ये सारी चीज़ों के थ्रू तो आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है डोंट फोकस टू मच ऑन ऑल दीज थिंग्स गाइज ठीक है बिकॉज मैंने जैसे मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है मैं यहाँ पे कम से कम गाइज थर्टी टू फोर्टी शॉप्स में गया हूँ और मैंने जहाँ पे भी रेजिमेंस दिए है मोस्ट ऑफ लोग अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कोई भी बंदा ये नहीं पूछेगा आप लोगों की आप लोगों ने पास में यहाँ पे काम किया है वहां पे काम किया है कुछ रेरेस्ट ऑफ रेयर शॉप्स में आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि आप लोग मतलब आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम किया है नहीं किया है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट शॉप्स के लिए हम लोग को रेज्यूमे प्रिपेयर करना है तो जब भी प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करो ताकि आप एक्सप्लेन कर सको एंड मेक श्योर गाइज जब भी आप लोग बना के जाते हो रेज्यूमे कोई शॉप के अंदर तो आपको पता हो आपने लिखा क्या है बिकॉज कभी कभी क्या होता है जो मैनेजर या ओनर होता है ना वो आपका रेज्यूमे लेके आपको खुद ही पूछता है कि आप लोगों के पास कहाँ पे एक्सपीरियंस कौन सा है तो अगर आप लोग को पता ही नहीं है तो आप लोग रेज्यूमे में कुछ लिखा होगा आप बोलोगे कुछ तो वो बंदा समझ जाएगा कि नहीं इसको कुछ आता नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से निकाल देगा तो मेक श्योर sure आप लोग ऐसी गलतियां ना करें ठीक है बिकॉज ये यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है सो मेक श्योर आप लोग एक बार ढंग से आपका रेज्यूमे पढ़ लेते हो एंड देन फिर ही जाओ तो आप लोग को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए उसके बाद गाइज हम लोग मेन एरिया में आते हैं अवेलेबिलिटी इसके ऊपर मेरे यही एरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे के अंदर पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो अवेलेबिलिटी के अंदर आप लोग को ऑनेस्टली मेंशन करना है आप लोग कब कब अवेलेबल हो ठीक है बिकॉज होता क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं मंडे से लेके संडे तक ओपन ही ओपन लिख देते हैं आई एम अवेलेबल तो आप जब ऐसा लिखोगे गाइज और जब बंदा आपको बुलाएगा काम करने के लिए और उस दिन अगर आप लोग का कॉलेज है या कुछ भी तरीके का कोर्स है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है सो so, ऑनेस्टली लिखो अवेलेबिलिटी के अंदर कि आप लोग कब कब अवेलेबल हो बिकॉज अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस एवरी सिंगल डे होते हैं ठीक है थीके? फोर फाइव आवर्स क्लासेस होते हैं तो आप लोग को ऑनेस्टली यहाँ पे मेंशन करना है कि कब से कब तक आपके क्लास है तो जो भी ओनर या मैनेजर आप लोग को हायर करने वाला है उसको एक आइडिया आए कि ये बंदे को मैं ये टाइम पे बुला सकता हूँ इस तरीके से बुला सकता हूँ बिकॉज आप फेकली भी अगर लिख लोगे ना तो जब वो आपको बुलाएगा उसको पता लग जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है और ऑटोमेटिकली आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे तो ये सारी चीजें मत करना ये जो टाइम मैंने लिखा हुआ है ये मेरा खुद का टाइम है ठीक है आप लोग चेक कर सकते हो वेनेसडेज और फ्राइडेज मेरे क्लास होते हैं उसके अलावा मैं मंडे टू संडे तक ओपन ही रहता हूँ सिर्फ दो दिन मेरे क्लास रहते हैं और वेनजडे और फ्राइडे भी 12 पीएम के बाद मैं फ्री रहता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैंने रेज्यूमे के अंदर ऑनेस्टली लिख दी थी तो जब भी मैं देता हूँ किसी को तो एक आइडिया लगे उसको कि मुझे कब बुलाना है तो जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो लोग का टाइम टेबल इस तरीके का ही होता है दो दिन आपका यूनिवर्सिटी होता है उसके अलावा आप लोग फ्री रहते हो तो पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस ऐसे में इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ता है और यहाँ पे गाइज मैंने लास्ट में नीचे मॉर्निंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट बहुत प्रिफर करके लिख दिया है सो so, अगर आप लोग नाइट शिफ्ट भी करना चाहते हो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखोगे ना नागा तो सामने वाले को आइडिया आएगा कि ये बंदा कब कब काम कर सकता है दिन में और कितने घंटे काम कर सकता है सो मेक श्योर आप लोग मेन अवेलेबिलिटी मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट अवेलेबल हो कि नहीं फ़ोन नंबर और मेल आई ये चार चीजें बहुत ध्यान से लिखे उसके अलावा बीच में जो भी सारी चीजें लिखनी है वो ढंग से लिख दे बिकॉज वो इतना मैटर नहीं करता है जहां तक मुझे समझ आया है एंड अगर आप लोग के पास रेफरेंस है तो बहुत सिंपल है एगैज आपको शायद रेज्यूमे की भी जरूरत ना पड़े आपका काम डायरेक्टली हो जाएगा अगर आपका कोई फ्रेंड वो शॉप में काम करता है या आपके कोई रिलेटिव का ही शॉप है तो आप लोग को ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर कुछ नहीं है कोई आपको जानता नहीं है कहीं पे भी आपके कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तब आप लोग को रेज्यूमे इस तरीके से बनाना है ठीक है सो आशा करता हूं भाईज आई थिंक कि आप लोग को ये रेज्यूमे का फॉर्मेट देख के समझ आया हो कि आपको किस तरीके से रेज्यूमे बनाना है किस तरीके से आप लोग को जाके आपके ओनर्स को मतलब मैनेजर्स को देना है अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो चेक नहीं किया है जब मैं डोर टू डोर जाके अपने रेज्यूमेज दे रहा था तो ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में दोनों जगह पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को आप लोग को एक आइडिया आएगा अगर आप लोग वो वाला वीडियो चेक करोगे कि आपको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जाके आप लोग को रेज्यूमे देना है कैसे पूछना है सारी चीज़ें मैंने आप लोग को मेरे वीडियो में बताया है कौन से लोग ऑनलाइन रेज्यूमेज एक्सेप्ट करते हैं कौन से लोग ऑफलाइन रेज्यूम एक्सेप्ट करते हैं सारी चीजें वीडियो में आइडिया लग जाएगा तो डू चेक दैट वीडियो और उसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो फिर से देख लेना तो आपको आइडिया है कि किस तरीके से रेज्यूमे क्रिएट करना है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है बिकॉज जब मैं आया था गाइज मेरे पास कोई भी तरीके का आइडिया नहीं था किस तरीके से रेज्यूमे क्रिएट होता है कहाँ पे अप्लाई करना है बिकॉज मेरा कोई कॉन्टेक्ट विंसर में नहीं है तो मुझे डोर टू डोर जाना पड़ा था और अलग अलग जगहों पर जाके हम लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे जॉब मिल सकता है नहीं मिल सकता है सो इट इज डिफिकल्ट गाइज जब भी अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो आके ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है ऑनेस्टली बताऊं तो बट बत हार मत मानना मिल जाएगा एक महीने नहीं तो दो महीने में जॉब पक्का मिल जाएगी आप लोगों को तो जो भी सारी चीजें मैंने ये वाली वीडियो के अंदर आपको बताई है प्लीज सोच समझ के करो और इस तरीके से अगर आप लोग जाओगे तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आप लोग को पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा हासिल रहेगा बट जॉब भी मिल जाएगा अगर आप लोगों कोई भी तरीके का मुझे मैसेज भेजना है कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग मिस्टर पटेल नाइन जीरो एट पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मुझे मैसेजेस भेज सकते हो तो मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा सो so, कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय